नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। दोस्तों ये है टॉप 60 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको सभी फीचर्स के बारे में जानना हुआ इस टैबलेट के तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सभी फीचर्स को वन बाय वन। दोस्तों शुरुआत करते हैं की गार्ड से। तो जैसे आप अपने फोन को अनलॉक करते हो पिन के साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो की गार्ड होता है ये मिडल में होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे लेफ्ट में रख सकते हो या फिर आप इसे राइट में भी शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो आप जिस हैंड से यूज कर रहे हो उस हैंड से यूज करने के दौरान आप उसकी पोजिशन चेंज कर सकते हो और बड़ी आसानी से यहाँ पे पिन एंटर करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने अपने टैब में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा, तो जैसे आप फेस का यूज करते हो अनलॉक करने के लिए, तो यहाँ पे टैबलेट अनलॉक तो हो जाता है फेस से, लेकिन आपको स्वाइप करना पड़ता है तब जाके पूरी तरह से यहाँ पे अनलॉक होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्वाइप किए बिना ही फोन अनलॉक हो जाए पूरी तरह से, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, फेस रिकॉग्निशन में, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, ये होता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप। इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है। जैसे आप इसे डिसेबल करोगे, अब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं फेस अनलॉक से करूंगा तो टैबलेट पूरी तरह से मेन स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, मुझे स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब आप अपने टैबलेट को अनलॉक करते हो पिन एंटर करके, तो आपको यहाँ पे ओके करना पड़ता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ओके नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ पे ओके पे टैप किए बिना ही टैबलेट को अनलॉक कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है बिना ओके पे टैप करके फोन को अनलॉक करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, स्क्रीन लॉक टाइप में, फिर यहाँ पे आपका पिन एंटर करना है, और फिर यहाँ पे पिन पे टैप करके आपको यहाँ पे कंफर्म पिन विदाउट टैपिंग ओके दिखाई देगा, उसके सामने यहाँ पे टिक आपको करनी है, ठीक है। फिर आपको आपका वही सेम पिन एंटर करना है, और फिर इसके बाद अब आपको कभी भी ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा। तो आप अभी यहाँ पे ओके या कंटिन्यू पे टैप किए बिना ही अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा, पहले आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाती है बैक करने के लिए, होम पे जाने के लिए, रिसेंट एप्स देखने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे बटन्स को डिसेबल किया है और जेस्चर का यूज किया है। जेस्चर का यूज करने से क्या होता है, आप अगर आपको होम पे जाना हुआ तो इस तरीके से आप होम पे जा सकते हो। अगर आपको रिसेंट एप्स देखने हुए तो आपको स्वाइप अप एंड होल्ड करना पड़ता है, इस तरीके से आप रिसेंट एप्स को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैक जाना हुआ तो आप यहाँ से या फिर यहाँ से स्वाइप कर सकते हो और बैक जा सकते हो। अगर आपको इस जेस्चर को इनेबल करना हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, फिर यहाँ पे आपको जाना है नेविगेशन बार में, और यहाँ पे आपको स्वाइप जेस्चर को इनेबल करना है। इतना ही नहीं, अगर आपको ऐप्स के बीच में स्विच करना हुआ, इसके पहले आपने कौन सा ऐप ओपन किया था, तो आप यहाँ से नीचे से ये जो लाइन दिखाई दे रही है उस पर अगर आप स्वाइप करोगे इस तरीके से, तो आप ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको वापस जाना हुआ तो इस तरीके से आपने जो भी ऐप्स ओपन किए थे आप उनके बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान है ऐप्स के बीच में स्विच करना, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन में दो शॉर्टकट मिल जाते हैं, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आप इन्हें ओपन भी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे तुरंत कैलसी ओपन करना हो, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्वाइप करूंगा और कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको इन दो ऐप्स में से किसी भी ऐप्स को चेंज करना हुआ तो आप ये कर सकते हो, आप दोनों को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, और फिर आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन शॉर्टकट्स का, आपको इस पर टैप करना है। अब लेफ्ट में आपको कौन सा रखना है, तो यहाँ पे लेफ्ट में टैप करके आपको जो ऐप को रखना है लेफ्ट साइड में आप उसे रख सकते हो। यहाँ पे मान लो मुझे कैलेंडर रखना, तो कैलेंडर रखूंगा, तो लेफ्ट साइड में अब कैलेंडर आ चुका है, और राइट में मुझे रखना है व्हाट्सएप या फिर फोन, तो मैं फोन रखूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स यहाँ पे चेंज कर दिए है लॉक स्क्रीन पे। तो अब मैंने जो सेट किए हैं आपको वही दिखाई देंगे कॉर्नर में। दोस्तों नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए आपको ऊपर में स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप अगर नीचे से भी स्वाइप करोगे इस तरीके से तो यहाँ पे ही नीचे आ जाता है। तो अगर आपको इसे इनेबल करना हो तो आपको जाना है लॉन्ग टैप करना है यहाँ पे, और जाना है सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे मिलेगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, आपको इसे इनेबल करना है। दोस्तों जो ऐप्स है आप इन्हें हाइड भी कर सकते हो, अगर आपको किसी भी ऐप को यहाँ से हाइड करना हो तो आप हाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, फिर जाना है सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन हाइड ऐप्स का, आपको इस पर टैप करना है। और आप जिस किसी ऐप को हाइड करना चाहते हो, मान लो मुझे यहाँ पे वन ड्राइव को हाइड करना है, इसके अलावा स्मार्ट ट्विटर को हाइड करना है, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और डन करना है। इस तरीके से जो ऐप है ये हाइड हो चुके हैं, तो आपको अब यहाँ पे स्मार्ट ट्विटर और जो वन ड्राइव है वो नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको इन्हें वापस अनहाइड करना है तो लॉन्ग टैप कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, और यहाँ पे जो हाइड ऐप्स है उस पर टैप करके जिन ऐप्स को आपने हाइड किया है उन ऐप्स पे जो माइनस का साइन है उस पर टैप कीजिए, और ये अब अनहाइड हो चुके हैं, आपको डन करना है।
तो वापस अब ये वन ड्राइव और स्मार्ट ट्यूटर यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों इस टैबलेट में आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन भी मिल जाती है गूगल डिस्कवर और सैमसंग फ्री। तो अगर यहाँ पे आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है गूगल डिस्कवर, आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हो गूगल डिस्कवर में। इसके अलावा अगर आपको सैमसंग फ्री का यूज करना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है और फिर यहाँ पे आपको स्वाइप करके गूगल डिस्कवर या फिर सैमसंग फ्री। अगर आप यहाँ पे सैमसंग फ्री का यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सैमसंग फ्री पे टैप करना है और फिर जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे सैमसंग फ्री यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे दोनों में से किसी को भी यूज नहीं करना है तो आपको लॉन्ग टैप करना है और ऊपर में जो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन का आपको इसे ऑफ करना है तो दोनों यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, लेफ्ट स्क्रीन में कोई भी स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। तो आपको जो यूज करना है उसे यूज कर सकते हो लेफ्ट साइड में। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे रिसेंट एप्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको नीचे में एप्स की लाइन मिल जाती है, यहाँ पे ये होता है सजेशन। तो आपके यूसेज के हिसाब से आप क्या ज्यादा यूज करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एप्स देखने मिलेंगे। तो अगर आपको इसे हाइड करना है, आपको इसे डिसेबल करना है तो भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे शो रिकमेंडेड एप्स इन्हें डिसेबल करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे अब मुझे कोई भी एप्स नहीं दिखाई देंगे नीचे में। दोस्तों लॉक स्क्रीन पे जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे टाइम पे, आपको टाइम पे यहाँ पे टैप करना है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप यहाँ पे आपको विजिट्स मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन पे भी। ये है यूट्यूब के लिए, मतलब म्यूजिक के लिए, वेदर के लिए, शेड्यूल के लिए, नेक्स्ट अलार्म के लिए, डिजिटल वेलबिंग के लिए। अगर आपको इन्हें एडिट करना है तो आप इन्हें एडिट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या शो करना है क्या नहीं शो करना है तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और आपको यहाँ पे जिन्हें शो करना है आपको इसे इनेबल करना है। अगर मैं चाहता हूँ इसे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल करूंगा। तो आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही आपको लॉक स्क्रीन में दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे टाइम पे एक टैप करना है और फिर इस तरीके से आप यहाँ पे अपने विजिट्स देख सकते हो, यही से क्विकली उन एप्स को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दो बड़े काम के विजिट्स मिल जाते हैं, एक होता है क्लॉक और एक होता है रैम को फ्री करने का ऑप्शन। तो जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करोगे आपको जाना है विजिट्स में और यहाँ पे सबसे पहला होता है क्लॉक का ऑप्शन, ये होता है क्लॉक। आपको जो क्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आप उस पर यहाँ पे ऐड कर सकते हो और क्लॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से और फिर आप जो लॉन्ग टैप अगर करोगे इस पे तो आपको मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन और आप इसमें इसका जो कलर है व्हाइट या ब्लैक वो चेंज कर सकते हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो और इस तरीके से यहाँ पे क्लॉक मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स है, आप अलग अलग स्टाइल्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जो क्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से क्लॉक विजेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा और एक विजेट है जो है रैम को फ्री करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे आपको मिलेगा ऑप्शन डिवाइस केयर का, आपको इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे दूसरा जो विजेट है डिवाइस केयर का इसे ऐड करना है और ये हो गया विजेट। इसमें पता चलता है कि कितनी स्टोरेज फ्री है, कितनी मेमोरी फ्री है। अगर आपको रैम फ्री करनी हुई तो आप यहाँ पे एक टैप में ही रैम को फ्री कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो रैम फ्री हो रही है और कितनी रैम फ्री होगी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इतनी रैम फ्री हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हो रैम अब फ्री हो चुकी है। तो आप इस तरीके से रैम को फ्री कर सकते हो इस विजेट के जरिए। दोस्तों अगर आपको किसी ऐप के लिए टाइमर सेट करना है तो आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। मान लो आपको अगर किसी ऐप को एक घंटे के लिए ही यूज़ करना है तो मान लो मुझे इस गेम को एक घंटे के लिए यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टैप करूंगा। आपको जाना है आई बटन पे टैप करना है, ऊपर में आई बटन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ऐप टाइमर, आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जो टाइम है ऐप टाइमर यहाँ पे टैप करके यहाँ पे आपको 1 आवर करना है। तो मैंने कर दिया 1 आवर डन। तो यहाँ पे मैं इस ऐप को 1 घंटे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। 1 घंटे के बाद यहाँ पे मुझे नोटिस आएगा कि ये टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको एक हार्ट का आइकन भी दिखाई देगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम है ये लगा हुआ है। अगर आपको टाइमर को हटाना हुआ तो आपको वही करना है, लॉन्ग टैप कीजिए, आई बटन पर टैप कीजिए और आपको यहाँ पे जाना है ऐप टाइमर में और यहाँ पे इस टाइमर को आपको यहाँ पे डिस्कार्ड करना है, ठीक है। दोस्तों आपको इस टैबलेट में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का जो फीचर है वो भी मिलता है। तो अगर आपको इसे यूज़ करना हुआ या फिर डिसेबल इनेबल करना हो तो आप ये कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे एडवांस फीचर में, मोशन एंड जेस्चर में और आपको यहाँ पे मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। आपको दोनों को ऑन करना है ताकि आप डबल टैप पे ऑन कर सको, ऑफ कर सको। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ओके गूगल को एक्सेस करना हुआ तो आपको यहाँ पे अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से या इस तरीके से स्वाइप करना है डायगोनल में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया ओके गूगल, तो ओके गूगल को वेकअप कर सकते हो। आपको यहां से या फिर यहां से स्वाइप करना है। दोस्तों अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करना हो तो आपको यहां पे 2 बार स्वाइप करना पड़ता है, तब जाके आपको ब्राइटनेस का स्लाइडर मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 स्वाइप में ही मुझे ब्राइटनेस का स्लाइडर दिखाई दे तो आप ये भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां पे थ्री डॉट पे टैप करना है, जाना है क्विक पैनल लेआउट में और आपको यहां पे शो ब्राइटनेस ऑन टॉप इसे इनेबल करना है, डन करना है। इसके बाद आप देखोगे मैं अगर 1 स्वाइप भी करूंगा तो मुझे ब्राइटनेस का कंट्रोल दिखाई देगा। दोस्तों आप अपनी पावर बटन को डबल प्रेस के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब डबल प्रेस करने पे क्या होना चाहिए तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पावर बटन पे टैप करना है ऊपर में
और यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन साइड की सेटिंग्स, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको करना है डबल प्रेस। तो डबल प्रेस अगर आप करते हो तो क्या होगा, लॉन्च कैमरा, कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हो तो ऐप को भी ओपन कर सकते हो। डबल प्रेस करने पर मैं अगर चाहता हूँ कैल्सी ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे कैल्सी ओपन करूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं अब यहाँ पे डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कैल्सी ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो ऐप्स है उसे चेंज कर सकते हो डबल प्रेस करने के लिए। दोस्तों फिर आपको इस टैब में एच पैनल का भी ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप अलग अलग शॉर्टकट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये है एच पैनल और इसमें है कुछ टास्क के लिए ये क्लिपबोर्ड, ये है ऐप्स और आप यही से ओपन कर सकते हो किसी भी ऐप को। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी ऐप को यहाँ पे मल्टी विंडो में भी ओपन करना हो तो आप यहाँ पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे आप बीच में डालिए इसे और ये मल्टी विंडो में यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों इस टैब में आपको एज लाइटिंग का भी फीचर मिलता है, तो जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पे लाइट जलती हुई मिल जाएगी। तो अगर आपको इसे ऑन करना है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशन में और यहाँ पे आपको जो ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स है पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स इसे ऑन करना है, इस पर टैप करके एज लाइटिंग स्टाइल और यहाँ पे जो स्टाइल आपको चाहिए एज लाइटिंग के लिए आप उसे इनेबल कर सकते हो। तो लाइट यहाँ पे जलेगी, साइड में आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ऐप के कलर के हिसाब से यहाँ पे कलर आएगा। और फिर यहाँ पे एडवांस में जाकर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो और जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे रिसेंट ऐप्स में तो यहाँ पे उन ऐप के आइकन पे आपको टैप करना है ऊपर में बीच में और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन ओपन इन पॉपअप व्यू, इस पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आप इसे इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो और आप इसे जब चाहे तब मतलब कहीं पे भी मूव कर सकते हो और इसकी साइज भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मान लो आपने यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर दिया, अब आपको मान लो प्ले स्टोर और कैलकुलेटर साइड बाय साइड मतलब ऊपर नीचे यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, दूसरा पहला होता है यहाँ पे ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन का, आपको इस पर टैप करना है पहले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कैलसी ओपन ऊपर चला गया है और नीचे आ चुका है प्ले स्टोर। अगर आपको इसे वापस ऊपर नीचे करना है, प्ले स्टोर को ऊपर लेके आना है, तो यहाँ पे आपको बीच में थ्री डॉट पे टैप करना है और आपको यहाँ पे करना है स्वैप, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, कैलसी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एज पैनल में आपको दिख जाएंगे, जैसे मान लो आपने इसे क्लोज कर दिया दोनों ऐप्स को, अगर यहाँ पे आप जाओगे एज पैनल में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्ले स्टोर और कैलसी का कॉम्बो। आप जैसे इस पर टैप करोगे दोनों अब एक साथ ही ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन को यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन ओपन करना हुआ, आधे आधे हिस्से में स्क्रीन बांटनी हुई, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको रिसेंट ऐप्स में जाना है इस तरीके से और फिर आपको यहाँ पे करना है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू और इसके बाद आपको नीचे कौन सा ऐप यूज़ करना है आप उस पर सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप नाइट में अपने टैब को ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप डार्क मोड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना है डार्क मोड में, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। अगर आप इसे शेड्यूल पे सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लॉन्ग टैप कीजिए और आप यहाँ पे शेड्यूल पे सेट कर सकते हो, जिसके जरिए आप सनसेट टू सनराइज या फिर अपने हिसाब से इसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप जो ब्लू लाइट फिल्टर है उसका भी यूज़ कर सकते हो, जो ब्लू लाइट होती है यहाँ से कम हो जाती है और आपकी स्क्रीन येलोइश हो जाती है, तो आपको यहाँ पे आई कम्फर्ट हिल का यूज़ करना है जिसके जरिए आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से ये दोनों फीचर का यूज़ कर सकते हो, आंखों को ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए। दोस्तों आपको इस टैब में किड्स मोड का भी फीचर मिलता है, अगर आपके बच्चे इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हो तो आप किड्स मोड को इनेबल करके उन्हें यूज़ करने के लिए दे सकते हो। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस के साइन पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको किड्स मोड जो है किड्स आपको उस पर लॉन्ग टैप करके यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे डन करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो सबसे पहली बार आपको यहाँ पे किड्स मोड को यहाँ पे करना पड़ता है सेटअप। इसमें क्या होता है, गैलरी, कैमरा, यूट्यूब, गेम सभी किड्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए। तो जो भी आप देख सकते हो, माई फोन, माई कैमरा, गैलरी, ब्राउजर, आर्ट स्टूडियो और यहाँ पे कुछ गेम्स है, तो ये बच्चों के लिए होते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो, कितने टाइम के लिए आपको सेट करना है और कौन से ऐप्स को आपको अलाउ करना है यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। और किड्स मोड से बाहर जाने के लिए आपको पिन एंटर करना पड़ेगा, तो ये पिन आपको अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो कभी भी किड्स मोड से बाहर निकल के आपके टैबलेट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इस टैब के जरिए आप कॉल भी कर सकते हो, इसलिए आपको इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है। तो आपको यहाँ पे कॉल ऐप में जाना है, थ्री डॉट पे टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और आपको यहाँ पे मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, रिकॉर्ड कॉल्स, और आप यहाँ पे जो कॉल्स है रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स यहाँ पे सेट कर सकते हो सभी के लिए, अनसेव नंबर के लिए या स्पेसिफिक नंबर के लिए, तीन अलग अलग तरीके से आप जो कॉल्स है उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो और आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉल्स में सारे रिकॉर्डेड कॉल्स मिल जाएंगे।
दोस्तों अगर आपको कोई कॉल आता है तो कॉल स्क्रीन पे अगर आपको कोई बैकग्राउंड यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और आपको यहाँ पे जाना है कॉल बैकग्राउंड में। जब भी कोई कॉल आएगा आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाया जाएगा, या फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे टैप करके जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई कॉल आता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कॉलिंग स्क्रीन पे। या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो या वीडियो भी। तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, आप अपनी यहाँ पे कोई भी फोटो या वीडियो यहाँ पे ऐड करके दे सकते हो। तो जब भी आप कॉल आएगा यहाँ पे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाया जाएगा। दोस्तों मान लो आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो या गेम यूज़ कर रहे हो और उसके दौरान कोई कॉल आता है, अगर आप चाहते हो कि कॉलिंग का जो स्क्रीन है वो छोटा सा दिखाई दे यहाँ पे, पूरा स्क्रीन में ना दिखाई दे, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जाना है कॉल में सेटिंग्स में और आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप्स, आपको इस पे टैप करना है। और यहाँ पे होता है पॉपअप और यहाँ पे होता है मिनी पॉपअप। मिनी पॉपअप का मतलब आपको बहुत छोटा सा यहाँ पे दिखाई देगा जब भी कॉल आएगा। और आप अगर यहाँ पे कीप कॉल्स इन पॉपअप करोगे तो जब भी आप कॉल को अटेंड करोगे, ऑन करोगे, तो कॉल यहाँ पे ऊपर ही रहेगा, पूरी स्क्रीन में ओपन नहीं होगा। तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है ताकि आप ऐप या गेम को यूज़ करते करते कॉल को यूज़ कर सको। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट के नाम पे स्वाइप करोगे राइट या लेफ्ट में तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो क्विकली उसे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे राइट में स्वाइप करूँगा इस कॉन्टैक्ट पे तो कॉल हो जाएगा, अगर मैं इसे लेफ्ट में स्वाइप करूँगा इस कॉन्टैक्ट पे तो मैसेज हो जाएगा। दोस्तों आपको इस टैब में गैलरी, माई फाइल्स, सैमसंग नोट्स, इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग, इसमें आपको मिलता है रिसाइकल बिन का ऑप्शन। इसका मतलब है कि जब भी आप यहाँ से कुछ भी डिलीट करोगे तो यहाँ से परमानेंट डिलीट होगा नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया ये, तो ये जाएगा रिसाइकल बिन में। तो अगर आपको देखना होगा कि आपने क्या क्या डिलीट किया है तो आप यहाँ पे 3 बार पे टैप करके जाओगे रिसाइकल बिन में और आपने जो भी डिलीट किया है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ से सभी को डिलीट कर सकते हो एम्प्टी करके, या फिर अगर आप यहाँ पे इसे वापस करना चाहते हो अपने गैलरी में मूव, तो आप यहाँ पे करोगे रिस्टोर, ये वापस आ जाएंगे गैलरी में। इस तरीके से आप यहाँ पे रिसाइकल बिन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी डिलीट करोगे आप रिसाइकल बिन में 30 दिन के लिए यहाँ पे सेव रहते हैं, 30 दिन के बाद ये अपने आप यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करना हुआ तो आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके तुरंत छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे पाम स्वाइप टू कैप्चर का भी यूज़ कर सकते हो। आपको हथेली को टच करना है स्क्रीन के साथ और स्वाइप करना है इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा एज पैनल पे जो है ऑप्शन, इसका भी यूज़ करके आप जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये होता है टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको अगर पाम स्वाइप टू कैप्चर यूज़ करना है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। जब जाना है आपको सेटिंग्स में, आपको जाना है यहाँ पे एडवांस फीचर में, मोशन जेस्चर में, और आपको यहाँ पे पाम स्वाइप टू कैप्चर इसे इनेबल करना है। दोस्तों अगर आप फोन यूज़ कर रहे हो, फोन में जो सिम आप यूज़ कर रहे हो उस नंबर से अगर आपको अपने टैबलेट में फ़ोन को और मैसेज को रिसीव करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन दोनों फ़ोन में और टैबलेट में जो आपका सैमसंग अकाउंट है दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों में वाईफाई सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, और आपको यहाँ पे मिलेगा कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस। इसका मतलब है कि जो भी आपके नंबर पे कॉल आएगा तो आपके जो कॉल होंगे, आपके फ़ोन पे जो आता है कॉल मैसेज, वो आपको अपने टैबलेट में मिल जाएंगे देखने के लिए। दोस्तों कई बार होता है कि यहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है और हम बिना देखे ही उसे क्लियर कर देते हैं सभी को। तो अगर आपको यहाँ पे देखना हुआ कि मैंने कौन कौन सी नोटिफिकेशन क्लियर की है, मुझे वापस देखना है, तो आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, और आपको यहाँ पे जाना है एडवांस में, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे। और जो भी आपने यहाँ पे क्लियर की होगी यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑन करना है। इसके बाद जो भी आपने क्लियर किया होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जो भी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, सिग्नल में जो लोग मैसेज डिलीट करते हैं आप उन्हें भी यहाँ पे देख सकते हो उन डिलीटेड मैसेज को। दोस्तों बैक आने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का। अगर आप मैसेज को या फिर टेलीग्राम को, सिग्नल को फ्लोटिंग विंडो में देखना चाहते हो, अगर कोई मैसेज आएगा तो फ्लोटिंग में आएगा, बबल में आएगा, या फिर स्मार्ट पॉपअप में, तो बबल में इस तरीके से आएगा, स्मार्ट पॉपअप में इस तरीके से आएगा। तो अगर आपको इसे इनेबल करना है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बैक जाओगे तो यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन रिमाइंडर। इसकी मदद से आप अगर कोई नोटिफिकेशन देखना भूल गए तो आपको वहाँ पे रिमाइंडर आएगा, आप इसे ऑन कर सकते हो। हर कितने मिनट में यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए उसका टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कौन से ऐप के लिए रिमाइंडर आना चाहिए आप यहाँ पे भी उन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप माई फाइल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे इतने फोल्डर्स दिखाई देंगे इंटरनल स्टोरेज में। हालांकि इतने फोल्डर्स होते नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको इतने दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो इसेंशियल लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और यहाँ पे करना है ऑल, तो फिर आपको यहाँ पे सारे जो फोल्डर्स है दिखाई देंगे। इसेंशियल का मतलब होता है जो भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जो जरूरी होते हैं वो अगर आपको देखने हुए तो आपको इसेंशियल करना है, और जो इंपॉर्टेंट है वही दिखाई देंगे। अगर आपको सारे देखने हैं तो आपको यहाँ पे करना है ऑल। दोस्तों बात करते हैं कुछ कीबोर्ड के टिप्स की। तो जैसे आप कीबोर्ड को ओपन करोगे, ठीक है, तो मान लो आपने कुछ यहाँ पे टाइप किया है, अगर आपको सभी को सिलेक्ट करना है जैसे हम लैपटॉप पीसी में करते हैं कंट्रोल प्लस ए, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अगर आपको सभी को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पे टैप करना है, कंट्रोल पे टैप करके रखना है, और यहाँ पे आपको ए पे टैप करना है, तो आपने जो भी लिखा होगा वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसे कहीं पे कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पे टैप करके रखना है,
कंट्रोल प्लस सी करना है, ये हो जाएगा कॉपी और ये हो गया कॉपी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे इसे इस जगह पे पेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पे टैप करना है और कंट्रोल प्लस वी करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट। अब मान लो यहाँ पे आपको इसे हटा के यहाँ पे इस जगह पे लाना है, मतलब कट करना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे इसे सिलेक्ट। ठीक है, मान लो इसे सिलेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट हो जाएगा। अगर मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करना हो तो मैं कंट्रोल प्लस करूँगा वी, अब ये यहाँ से निकल के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस ए वी एक्स सी और ये होता है जी। जी का मतलब होता है अंडू। अंडू का मतलब जो आपने अभी चेंज किया पहले की तरह हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल प्लस जी, तो पहले की तरह हो जाएगा, वापस जी पहले की तरह हो जाएगा। अब आपको वापस रिड्यू करना है, ये होता है वाई रिड्यू के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप अंडू रिड्यू भी कर सकते हो जी और वाई का यूज़ करके। इसके अलावा आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर सकते हो हैंडराइटिंग से, तो आपको इस आइकन पे टाइप करना है, टी वाले आइकन पे, और आप यहाँ पे जो भी लिखोगे यहाँ पे वो टेक्स्ट बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हैंडराइटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आप जो भी यहाँ पे कॉपी करोगे यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड में देखने मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट भी अपने आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में से हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आप कॉपी करोगे टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड में देखने मिल जाएगा, और आप जब चाहे तब यहाँ पे टैप करके उसे पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से किसी को निकालना है तो आप लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट करके यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी फोटो को क्लिपबोर्ड में सेव करना हो तो आप फोटो में जाइए गैलरी में, और मान लो आपको इस फोटो को करना है क्लिपबोर्ड में सेव, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करके करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ये अब जो फोटो है क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी और आप जब चाहे तब उसे पेस्ट कर सकते हो ईमेल या फिर किसी भी मैसेज ऐप में। दोस्तों, अगर आपको अपने टैबलेट को और फास्ट करना है तो आप अगर एनिमेशन को ऑफ कर देते हो तो आपका टैबलेट और फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी एनहांसमेंट उस पर टैप करना है, और आपको यहाँ पे करना है रिमूव एनिमेशन, इसे ऑन करना है। इसके बाद आपका टैब काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे। दोस्तों, टैबलेट में जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, अगर आप उस वाईफाई को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उस वाईफाई को शेयर कर सकते हो। जैसे हम मोबाइल डेटा को शेयर करते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए, तो आप इस टैबलेट में वाईफाई को शेयर कर सकते हो, जिसे कहते हैं वाईफाई शेयरिंग। तो उसका अगर आपको यूज़ करना हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे कनेक्शंस में, फिर आपको जाना है यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में, और यहाँ पे आपको मिलेगा मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे आपको एडवांस पर टैप करके वाईफाई शेयरिंग सबसे लास्ट में होगा, इसे इनेबल करना है। अब क्या होगा, आप जो वाईफाई यूज़ कर रहे हो सामने वाला आपका वाईफाई यूज़ कर सकता है सर्च करके। दोस्तों, इस टैबलेट में आप बेड टाइम मोड का भी यूज़ कर सकते हो। बेड टाइम मोड में क्या होता है, DND ऑन हो जाता है, और इसके अलावा आपकी जो स्क्रीन होती है ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। अगर आपको इसे यूज़ करना हो तो आपको क्लॉक ऐप में जाना है, फिर यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, जाना है सेट बेड टाइम में, और आपको यहाँ पे अपना अलार्म सेट करना है नेक्स्ट करके। ठीक है, अलार्म आप सेट कर दीजिए, टाइम सेट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बेड टाइम मोड इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे डन करने के बाद आपकी स्क्रीन जो होगी यहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे डो नॉट डिस्टर्ब का जो मोड है वो भी ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेड टाइम मोड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसे क्लोज करना हो तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कीबोर्ड का जो कलर है ये इसका थीम अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करना है और जाना है सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन थीम का। आपको यहाँ पे चार टाइप की थीम मिल जाएगी, आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आपको जो थीम यूज़ करनी है वो। इतना ही नहीं, आप जो कलरफुल थीम है वो भी चेंज कर सकते हो। तो आपको करना है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, आपको इसे ऑन करना है। आप इस तरीके से जो कलरफुल कीबोर्ड थीम है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, आपको इसमें असिस्टेंट मेनू मिलता है, जिसके जरिए आप यहाँ पे अलग अलग एक्शंस एक्टिविटी कर सकते हो शॉर्टकट में। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, आपको यहाँ पे जाना है इंटरेक्शन एंड डेक्सटरिटी में, असिस्टेंट मेनू पे टैप करना है, आपको इसे इनेबल करना है। जैसे आप इसे इनेबल करोगे आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग विजेट दिखाई देगा ये वाला, और जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, रिसेंट, होम, बैक, स्क्रीनऑफ, वॉल्यूम, स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको इसे हाइड करना हुआ साइड में तो आप शो एज एज आइकन इसे हाइड कर सकते हो, तो ये अब हाइड हो जाएगा साइड में। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है, अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना हो तो आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, तो वो होता है पोर्ट्रेट मोड से। पोर्ट्रेट मोड से अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। ब्लर कितना करना है आप उसका जो स्केल है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर साथ पे रखते हो तो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। इस तरीके से आप पोर्ट्रेट मोड को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो शटर बटन है ये गलत जगह पे है, आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप इस पे ऐसे स्वाइप करके यहाँ पे इस तरीके से आप बस आपको ऐसे करना है, आप इस बटन को कहीं पे भी रख सकते हो, और जैसे आप इस पे टैप करोगे फोटो क्लिक हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे टैप करना है, ऐसा नहीं है, आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो।
और इस तरीके से टैप कर सकते हो। काम हो जाने पर आपको यहाँ पे इसे ड्रैग करके डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इस पर लॉन्ग टैप करोगे तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिखाई देगा, उस पर टैप करना है, यहाँ से गायब हो जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ब्यूटी मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको इस ब्रश के आइकन पर टैप करना है लास्ट वाले। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है फिल्टर का ऑप्शन ऊपर में, और फेस का ये होता है फेस, यहाँ पे होता है ब्यूटी मोड। आप यहाँ पे देख सकते हो स्मूथनेस, टोन, जो लाइन और आइस आप एडजस्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पे ऑन ऑफ रख सकते हो ब्यूटी मोड को। इसके अलावा जैसे यहाँ पे बजाओगे सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे मिलता है वाटरमार्क का ऑप्शन, तो अगर आपको फोटो में वाटरमार्क चाहिए तो आप यहाँ पे वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो। फोटो के नीचे आपको वाटरमार्क मिलेगा और वाटरमार्क में क्या लिखना है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इसके बाद होता है आपको यहाँ पे ऑटो HDR, तो जब भी ज़्यादा लाइट होगी या ज़्यादा अंधेरा होगा तो आप HDR का यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से फोटो क्लिक होगी। दोस्तों आप अपने टैबलेट पे बस शॉट या कंटिन्यूस शॉट भी क्लिक कर सकते हो, एक साथ आप 30 फोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बटन पे स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोटोज़ क्लिक हो रही है और आप एक साथ यहाँ पे 30 फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। दोस्तों आप कोई भी फोटो जब पोर्ट्रेट मोड से क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको बैकग्राउंड जो इफेक्ट है उसे चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप जाओगे गैलरी में, अगर मान लो आपको ये फोटो जो है इसमें आपने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट, आपको इस पर टैप करना है और बैकग्राउंड का जो लेवल है आप उसे कितना ब्लर करना चाहते हो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ब्लर करना है तो आप 7 पे रख दीजिए, तो फोटो क्लिक करने के बाद भी आप इस तरीके से जो बैकग्राउंड का ब्लर है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी फोटो में किसी एक पर्टिकुलर कलर को शो करना है, मान लो मुझे इस फोटो में केवल मुझे रेड कलर ही दिखाना है, बाकी कलर नहीं दिखाने, तो मैं यहाँ पे एडिट पर टैप करूँगा और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ पे टैप करना है स्पॉट कलर, और यहाँ पे अगर आप रेड कलर पे यहाँ पे टैप करोगे तो फोटो में जहाँ कहीं पे भी रेड कलर होगा वही दिखाई देंगे, बाकी कलर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से आप स्पॉट कलर कर सकते हो। अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसको निकालना है, माइनस के ड्रॉपर पर टैप करूँगा, यहाँ पे टैप करूँगा, ये कलर निकल चुका है। अब मुझे मान लो यहाँ पे ब्लू दिखाना है तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा प्लस के साइन पे और ब्लू पे टैप करूँगा, और जहाँ कहीं पे भी ब्लू कलर होगा वही मुझे दिखाई देगा, बाकी कलर मुझे नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कलर को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको किसी फोटो की साइज चेंज करनी है तो आप साइज भी चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है और करना है रिसाइज, और आप यहाँ पे 80% 60% इस तरीके से आप यहाँ पे जो साइज है उसकी चेंज कर सकते हो। दोस्तों मान लो आपने कोई फोटो एडिट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका कोई पर्टिकुलर जो फिल्टर है उसे अप्लाई कर दिया। अब फिल्टर को अप्लाई करने के बाद आप अगर सेव करोगे ना तो जो पहली वाली फोटो होगी ओरिजिनल फोटो वो डिलीट हो जाएगी और नई यहाँ पे सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो पहली वाली भी सेव रहे और ये नई वाली भी सेव रहे, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करना है और यहाँ पे करना है सेव कॉपी। इससे क्या होगा, ये भी फोटो सेव रहेगी और जो पहली वाली फोटो थी वो भी सेव रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोटो यहाँ पे सेव है, ठीक है, तो आपको याद रखना है आपको सेव कॉपी करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, मुझे जो पहली वाली फोटो थी वही चाहिए, तो आप रिवर्ट कर सकते हो चेंजेस को। तो आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको ऑप्शन रिवर्ट, आपको उस पर टैप करना है और आपको करना है रिवर्ट टू ओरिजिनल। अब आपकी फोटो पहले की तरह रिवर्ट हो जाएगी और आपको करना है सेव, तो मतलब आपने कोई चेंजेस कर दिए हैं तो आप उससे पहले की तरह भी कर सकते हो रिवर्ट के जरिए। दोस्तों जब भी हम किसी फोटो को शेयर करते हैं तो फोटो के साथ जो लोकेशन डेटा होती है उसकी वो भी शेयर हो जाती है, मतलब फोटो कहाँ पे क्लिक की गई थी वो सामने वाले को पता चल जाता है। तो अगर आपको फोटो की जो लोकेशन डेटा है उसे निकालनी है, रिमूव करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे शेयर के आइकन पे टैप करना है और रिमूव लोकेशन डेटा इस पे इनेबल करना है। तो अब यहाँ पे फोटो शेयर होगी लेकिन फोटो कहाँ पे क्लिक की गई थी सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप फोटो को शेयर करते हो या किसी भी फाइल को शेयर करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है शेयर पैनल, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऐप को ऊपर के रो में रखना हुआ तो आप ऐसा कर सकते हो, मान लो मुझे जीमेल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो मैं जीमेल पे लॉन्ग टैप करूँगा और यहाँ पे करूँगा पिन जीमेल, तो जीमेल अब यहाँ पे पहले नंबर पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहीं पे भी मुँह नहीं होगा। तो आप आसानी से अब यहाँ पे शेयर कर सकते हो, आप किसी भी ऐप को यहाँ पे पहले लाइन में पिन कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग एक्शंस के लिए साउंड्स और वाइब्रेशन को इनेबल किया गया है, अगर आपको उन्हें डिसेबल या इनेबल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड और वाइब्रेशन में, सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल में, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको साउंड कौन कौन से एक्शन के लिए चाहिए, वाइब्रेशन कौन कौन से एक्शन के लिए चाहिए, आप इन्हें यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मान लो मुझे अगर सैमसंग कीबोर्ड के लिए वाइब्रेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा, चार्जिंग के लिए वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो मैं इसे डिसेबल करूँगा। इस तरीके से आप साउंड और वाइब्रेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। दोस्तों आपको इस टैबलेट में इनबिल्ट एंटीवायरस का फीचर मिलता है, तो आपको किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसे इनेबल करना हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में, और आपको यहाँ पे डिवाइस प्रोटेक्शन पे टैप करना है और आपको इसे टर्न ऑन करना है। ये है मैकएफी का एंटीवायरस, तो ये अब यहाँ पे ऑन हो चुका है और आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो जब चाहे तब।
दोस्तों इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे जाते हो बैटरी में और यहाँ पे आपको जाना है मोर बैटरी सेटिंग्स में, तो इसमें एक फीचर होता है प्रोटेक्ट बैटरी का। मान लो आपने रात में अपने टैबलेट को चार्ज पे रख दिया है 6-7 घंटे के लिए, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टैबलेट होगा 100% चार्ज नहीं होगा, 85% ही चार्ज होगा, तो ये बैटरी लाइफ के लिए अच्छा होता है। दोस्तों मान लो आपको किसी ने अपना टैबलेट मांगा, ठीक है, फोटोज को देखने के लिए, आपने उसे फोटोज दिया, वो गैलरी को देख रहा है, लेकिन मान लो उसका मन हुआ यूट्यूब देखने का, उसने यूट्यूब चालू कर दिया, क्रोम चालू कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो गैलरी में है तो गैलरी में ही रहे, किसी दूसरे ऐप को ओपन ना कर पाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे पिन विंडोज़ को इनेबल करना है। इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे करना है रिसेंट ऐप्स को देखना है, इस तरीके से रिसेंट ऐप्स गैलरी पे टैप करना है और यहाँ पे करना है पिन दिस ऐप। इससे क्या होगा, वो बंदा जो है बैक करेगा तो बैक नहीं जा पाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो क्विक पैनल है उसे भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, होम पे भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको उसे अनपिन करना है तो आपको फिर यहाँ पे स्वाइप एंड होल्ड करना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से ये हो जाएगा अनपिन, और फिर आप पासवर्ड डाल के उसे अनपिन कर सकते हो। तो ये दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, केवल आप ही कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप को लॉक कर सकते हो ताकि वो किसी दूसरे ऐप में वो ना जा सके। दोस्तों अगर आप अपने यहाँ पे लोकेशन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो यहाँ पे, तो आप दे सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी। तो उसे यहाँ पे लिखने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे लोकेशन में, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस पर टैप करना है, और यहाँ पे जो लिखना है आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो मुझे लिखना है ES Techno, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ES Techno। तो आप यहाँ पे देखोगे डन करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पे मुझे ES Techno दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डेट के नीचे ES Techno लिखा हुआ है। इस तरीके से आप जो लिखना चाहो आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों मान लो आपका टैबलेट लॉक है, अगर आप चाहते हो कि जब भी आपका टैबलेट लॉक हो तो कोई भी आके यहाँ पे जो वाईफाई है, जो भी मोबाइल डेटा है, उसे ऑफ ना कर पाए, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा वाईफाई को ऑफ तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मुझे पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, तब जाके मैं वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ ऑफ कर सकता हूँ लोकेशन में। तो अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लोकेशन में, सिक्योर लॉक सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे अपना पिन एंटर करना है, और आपको यहाँ पे इनेबल करना है लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसे इनेबल करना है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 60 टिप्स एंड ट्रिक्स सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।